सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। राजपुरा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, जिसका ऐलान राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने राजपुरा के पीएमएन कॉलेज में रखे एक समारोह के दौरान किया था कि अब राजपुरा की जनता को बिजली के कटो से राहत देने के लिए बिजली बोर्ड में एक नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिसके लगाने के बाद बिजली की सप्लाई में और सुधार आ जाएगा। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये ट्रांसफार्मर 23 तारीख दिन शनिवार से शुरू होकर 24 तारीख दिन रविवार शाम 6 बजे तक लगा दिया जाएगा। इस ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए बिजली बोर्ड की ओर से 23 तारीख दिन शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक और 24 तारीख दिन रविवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली को बंद करना पड़ेगा, जिसके कारण लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मगर इस ट्रांसफार्मर के लगने के बाद पूरी जिंदगी के लिए लोगों को आराम ही आराम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से राजपुरा शहर स्थापित हुआ है जब से अब तक ऐसे 2 ट्रांसफार्मर ही बिजली बोर्ड में लगाए गए हैं। इतने लंबे समय के बाद ये ट्रांसफार्मर राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज की मेहनत सदका व राजपुरा के ही रहने वाले एक्सीएन श्री संदीप गुप्ता की कड़ी मेहनत के बाद लोगों को इतना बड़ा तोहफा मिल सका है। इसके बारे में और जानकारी देते हुए राजपुरा के एक्सीएन श्री संदीप गुप्ता ने न्यूज 89 के मुख्य संपादक संदीप चौधरी के साथ खास बातचीत के दौरान बताया कि 2 दिन का सी पावर कट प्लान दिता है कि असी राजपुरा ग्रिड के विच एक नवा BMVA का पावर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, जो कि डायरेक्टर साहब डायरेक्टर बिजली बोर्ड के हदायतों उन्होंने भारी एफर्ट्स के नाल लगाया जा रहा है। ये ट्रांसफार्मर लगाने के नाल अगले 10-15 सालों के बिजली की जिहड़ी है वो राजपुरा के प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई भी लोड दिता जा सकता है, कट नहीं लगेंगे। कई बार सानू ओवरलोडिंग के कारण कट लगाने पैंदे हैं, वो सारिया मुश्किल हल हो जाएंगी। तो ये जिहड़ा ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, ये एक शहर की हिस्टरी के माइलस्टोन के तौर पर लग रहा है, क्योंकि इन्ना वड्डा ट्रांसफार्मर आम चीज़ नहीं है, जिहदे नाल मतलब मैं तो यही कहना चाहवागा भी हलका विधायक साढ़े उच्च अधिकारी डायरैक्टर साहब के कह मतलब एफर्ट्स के नाल ये राजपुरे की हिस्टरी बहुत ही वड्डा बहुत ही मतलब भविख के बिजली के भारी सुधार का सोर्स बन। तो यह पहला किन्ने ट्रांसफार्मर है जी उरे लगे हुए? पहला इतने 2 पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये तीसरा है, ये तीसरा पावर ट्रांसफार्मर है। ये मतलब काफ़ी हद तक बिजली की जोड़े कट लगते हैं प्रॉब्लम है होंगी है थोड़ी बहुत भी आती है वो की बेनीफिट होगा लोगों को? इस ओवरलोडिंग खत्म हो जाएगी शहर के जिन्हें भी आने वाले 10 सालों के कनैक्शन दिते जाने हैं, इंडस्ट्री के वास्ते नवी लाइनों के उत्ते फीडर खिंचे जाने हैं, उन्हां सारिया चीज़ों के जोड़े लोड है वो इशू कर रिलीज़ कर भारी सौख होगी। कोई कई बार कोई ज़्यादा वड्डा लोड आ जाए तो सानू ओवरलोडिंग के कारण रोकना पै जाएगा। 2 दिन पहला कंबोज साहब ने PMN कॉलेज मंत्री जी के सामने इस चीज़ का ऐलान करेगा भी ट्रांसफार्मर जोड़ा है इंस्टॉल हो रहा है, तो एकदम तुरंत इसते मतलब ट्रांसफार्मर लाया जा रहा है, इसी कंबोज साहब का कितना बड़ा योगदान रहा जी, ये जी लोगों को देन मिल रही है एक बहुत बड़ी? ये हलका विधायक मान्योग हरदयाल सिंह कंबोज जी के एफर्ट्स के नाल ही यह जो ट्रांसफार्मर प्लान किया जाता है ये बिजली बोर्ड वालों प्लान किया जाता है, उन्होंने वालों उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके इस ट्रांसफार्मर चालू कराने वास्ते जल्दी लगाने वास्ते कहा गया, जिसके सदके ही यह ट्रांसफार्मर इन्नी जल्दी लग रहा है। तो लोगों को की अपील करोगे 2 दिन वास्ते जिहड़ा भी? असीं लोगों को अपील करांगे भी वह एक तो पानी की उचित प्रबंध कर लें ताकि उन्होंने पानी के पीने की प्रॉब्लम ना आए, दूसरा जे उन्होंने कोई जनरेटर आदि खराब पे हैं तो उन्होंने रिपेयर करवा लें, प्लस डीजल का प्रबंध कर लें, तीसरा इनवर्टर की जिहड़ी बैटरी है उसनू बहुत ही सुचज्जे ढंग वरतों करन ता जो वह शाम बिजली चालू होने तक
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਹਰਨੇਕ ਹੈਰੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।